नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा वीकली अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस वीक की अपडेट्स। पहली अपडेट मुजफ्फरनगर से है, जहां दिल्ली बेस्ड न्यूमिक सीरियल कॉम कॉन्सोर्टियम इसको मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी से करीब 27 एकर्स का लैंड पार्सल यहां पर टाउनशिप डेवलप करने का अप्रूवल मिला है। दोस्तों यहां पर ये कंपनी इसके तहत प्लॉट्स, विलास, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इनको डेवलप करेगी। यहां पर दोस्तों ये टाउनशिप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे ही बनाया जाएगा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पर करीब 1000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट ये कंपनी करेगी। दोस्तों वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर ये वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट टाउनशिप होने वाली है, और यहाँ पर दोस्तों ये एक अच्छा साइन है यहाँ पर अर्बन एक्सपांशन का। नेक्स्ट अपडेट ग्रेटर नोएडा से है, जहाँ NCR बेस्ड SKA ग्रुप इसे अनाउंस किया है ये यहाँ पर लग्जरी सेगमेंट में निवेश करेगा और एक लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट सेटअप करेगा, जो कि ग्रेटर नोएडा सेक्टर जेटा 1 यहाँ पर लोकेटेड है। दोस्तों SKA डेस्टिनी यहाँ पर 3 BHK और 4 BHK यूनिट ऑफर करेगा कस्टमर्स को। करीब 6 एकर्स के लैंड पार्सल में ये टाउनशिप डेवलप की जाएगी और नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर इसको बनकर तैयार कर लिया जाएगा। 2029 तक इसका डेडलाइन रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर 3 टावर डेवलप किए जाएंगे, जिनका नाम अल्फा, बीटा और गामा है। ये फ्लैट्स 32 से 34 फ्लोर के होने वाले हैं। टोटल यहाँ पर 645 यूनिट्स सेल की जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट लखनऊ से है, जहाँ मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट इसने प्लान किया है कि करीब 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे लखनऊ के अंदर यहाँ के हेल्थ सेक्टर में। करीब दोस्तों इससे पहले सारा ने 940 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर प्रपोज किया था और उसे लैंड भी एक्वायर कर लिया है। दोस्तों दिल्ली बेस्ड मैक्स ग्रुप लखनऊ के अंदर अपना बिगेस्ट हॉस्पिटल सेटअप करने वाला है। करीब इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी 500 बेड की होने वाली है। यहाँ पर ये हॉस्पिटल कटिंग एज मेडिकल टेक्नोलॉजी से इक्विप होगा, जिसमें रोबोटिक्स, रेडिएशन थेरेपी, ऑन्कोलॉजी, ट्रांसप्लांट ऑफ लीवर, किडनी, बोन मैरो, हार्ट और लंग्स, ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट अपडेट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक डेटा से है, जहाँ दोस्तों एक डेटा आया है जिसमें दिल्ली टॉप पर है। दिल्ली में करीब पिछले फाइनेंशियल ईयर में सफर किया था 24% की ग्रोथ दर्ज करी थी। इसके अलावा दोस्तों अहमदाबाद के अंदर 25.50% की ग्रोथ देखी गई है। तो 10 प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स के अगर हम डेटा की बात करें तो उसमें टॉप पर दिल्ली है और 10वें नंबर पे अहमदाबाद है। हालांकि दोस्तों उत्तर प्रदेश का कोई भी एयरपोर्ट टॉप 10 की सूची में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस सूची में अपनी जगह बनाएगा। इसके अलावा GMR ग्रुप और जोर ग्रुप के बीच जो इनकी SPV है, इनके बीच एक बहुत बड़ा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। दिल्ली का बहुत बड़ा ट्रैफिक नोएडा एयरपोर्ट पे शिफ्ट होने वाला है, जो कि इकोनॉमिकली अगर देखें तो इससे नोएडा एयरपोर्ट के जो अगल बगल के क्षेत्र हैं इनको काफी लाभ होगा। और यहाँ पर दोस्तों रियल स्टेट की अपार संभावनाएं आपको देखने को मिलेंगी। जिस क्षेत्र में इसको बनाया जा रहा है वहां पर अभी अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई है और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर इससे काफी तेजी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट अयोध्या से है, जहाँ दोस्तों अब 25 एकर्स के लैंड ओनर्स, फार्मर्स ये अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर यहाँ पर टाउनशिप सेटअप कर सकते हैं। लैंड पूलिंग स्कीम के तहत अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को यहाँ पर जो भी क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है उसकी भूमि को ट्रांसफर करना ही होगा। इसके तहत यहाँ पर बड़ी टाउनशिप को डेवलप करने का प्लान है। इसके तहत किसान और जो लैंड ऑनर्स हैं इनकी जो जमीन है इसका इन्हें 1/4 प्राइस मिलेगा और यहाँ पर प्लॉट डेवलप किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर दोस्तों जो भी इंडिविजुअली 25 एकर्स के ओनर्स हैं, इसके अलावा मिलकर बहुत सारे किसान 25 एकर्स अगर उनके पास हो जाता है तो वो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर यहाँ पर टाउनशिप सेटअप करवा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों होगा क्या कि 25% जो भी लैंड पर प्लॉटिंग होगी ये अधिकार इंडिविजुअल्स या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको दिया जाएगा। बाकी 25% प्लॉट 25% लैंड ये अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास रहेगा और 45% लैंड पार्सल को पार्क, स्कूल, पुलिस स्टेशन, कम्युनिटी हॉल, रोड, सिविल लाइन इन सब के लिए रिजर्व किया जाएगा। दोस्तों रामपुर, हलवारा, सराय रासी, माझा क्षेत्र, यहाँ किसानों ने काफी रुचि दिखाई है इस प्रकार के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट अपडेट वाराणसी से है, यहाँ दोस्तों श्री काशी नाटकोट्टम क्षेत्रम यहाँ पर भूमि पूजन इसका किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया है। यहाँ पर दोस्तों 15,000 स्क्वायर फीट के एरिया में 10 मंजिल की एक धर्मशाला इसका निर्माण किया जाएगा। ये धर्मशाला खासकर दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए नटाकोट्टम क्षेत्र में 62,000 स्क्वायर फीट की जमीन है, जो करीब 1.42 एकर्स है। दोस्तों यहाँ पर सरकार द्वारा काशी तमिल संगम को इनिशिएट किया गया है। इसके तहत दोस्तों ये इनिशिएटिव 2022 से शुरू किया गया था।
इसके तहत तमिलनाडु और वाराणसी के जो ओल्ड लिंकेज है इसके बारे में बताया जाता है। बहुत सारे श्रद्धालु तमिलनाडु से बनारस की ओर जाते हैं और बनारस से बहुत सारे श्रद्धालु तमिलनाडु की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कल्चरल हारमोनी को देखते हुए इसके अलावा यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का इनिशिएटिव चलाया गया है। नेक्स्ट अपडेट लखनऊ से है, जहां दोस्तों इकाना क्रिकेट स्टेडियम ये 3 5-star होटल नियर स्टेडियम बिल्ड करने वाला है। 2024 में इकाना ने अनाउंस किया था कि ये पहला 5-star होटल इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। और दोस्तों ये जो 5-star होटल होने वाला है इसको शहीद बत के पास प्रपोज किया गया है। दोस्तों लखनऊ एक एमर्जिंग सिटी है, हालांकि अगर हम मीडियो सर्विस में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो मीडियो सर्विस भी होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होते हैं, मैं ये कहूँगा। लेकिन इससे हमें एक आइडिया लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार के डेवलपमेंट्स भारत के ज़्यादातर शहरों में हो रहे हैं, शहरों के बीच बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला है टॉप 10 टॉप 15 के अंदर आने के लिए। हालांकि जो लखनऊ की बात करें, यहाँ पर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो कमर्शियल क्षेत्र हो, डिफेंस का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में लखनऊ के अंदर काफ़ी निवेश हो रहा है। नेक्स्ट अपडेट वाराणसी से है, जहाँ दोस्तों वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम निर्माणाधीन है और यहाँ पर दोस्तों इस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने के बाद वाराणसी उत्तर प्रदेश का तीसरा शहर बन जाएगा जहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उपलब्ध होगा। अभी सूची में कानपुर और लखनऊ शामिल है। इसके अलावा गाजियाबाद में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट अपडेट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, क्या दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस पर बहुत सारा काम पूरा हो गया है। Air B 300 इसका पहला फ्लाईओवर यहां पर किया गया, बीनक्राफ्ट किंग एयर B 300 इसका फ्लाईओवर यहां पर किया गया है। यहां पर ये सभी प्रकार की नेविगेशन से इक्विप है। दोस्तों जो कैलिब्रेशन फ्लाइट्स होती हैं ये पिवोटल रोल निभाती हैं नेविगेशन इक्विपमेंट और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इन सबको देखने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो ILS सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम है, VOR सिस्टम है, इन सभी को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए भी इन फ्लाइट्स का ट्रायल किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट अगेन नोएडा से है, जहाँ दोस्तों रियलिटी फर्म एक्सपर्सन डेवलपर्स इसने करीब 1500 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है नोएडा के अंदर। इसके तहत ये यहाँ पर एक लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट सेटअप करेगी। दोस्तों ये गुरुग्राम बेस्ड फर्म है और आपको पता ही है कि अब नोएडा वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी संभावनाएं हैं और इसी को देखते हुए NCR के जो अदर फर्म हैं ये भी नोएडा के अंदर निवेश कर रहे हैं। करीब 4.7 एकर्स के लैंड पर्सन में 320 हाउसिंग यूनिट को यहाँ पर सेल किया जाएगा। 160 यूनिट पहले फेज के तहत सेल की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट पीलीभीत से है, जहाँ दोस्तों स्टेट ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज पीलीभीत ये लगभग बनकर तैयार है और इसका सेशन 2024 में शुरू हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमेटी द्वारा इसको जल्दी अप्रूवल दिया जाएगा और इसका जो नया सेशन है ये शुरू होगा। इसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं और ये कब से इनका एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है, इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।